वेल हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैंने आखिर सिंगल प्लेयर में लेवल 100 किया कैसे। आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे 3 से 4 घंटों में अपने सिंगल प्लेयर को लेवल 1 से लेवल 100 तक पुश करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल में आर्क मोबाइल ओपन कर लेना है। जैसे आर्क मोबाइल ओपन हो जाए, प्ले आर्क पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक है सिंगल प्लेयर का और एक है मल्टीप्लेयर का। तो मल्टीप्लेयर में अनऑफिशियल सर्वर्स में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है 100। वैसे आपको 100 लेवल्स वाले सर्वर्स तो मिल ही जाएंगे, तो कोई भी 100 लेवल देने वाला सर्वर चुन लो और ऐसे सर्वर में ज्वाइन होना जिसमें आपको नहीं रहना, ठीक है। उस सर्वर को ज्वाइन करो जिसमें आपको बिल्कुल नहीं रहना और जो 100 लेवल्स देती हो, जैसे कि ये है, इसमें हमें नहीं रहना, तो इसीलिए मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। तो सर्वर को ज्वाइन करते ही, जैसे कि सर्वर में एंटर करते ही होता है, हमें एक नया सर्वाइवर क्रिएट करने को मिलता है। तो उस सर्वाइवर को हमें सिंगल प्लेयर के लिए क्रिएट करना है, क्योंकि ये जो सर्वाइवर होगा यही सिंगल प्लेयर में ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो इस सर्वाइवर को आपको जैसा सिंगल प्लेयर में चाहिए वैसा ही मॉडिफाई कर दीजिए, जैसे कि स्किन टोन, आँखों का कलर या फिर हेयर। तो मुझे जैसा चाहिए मैंने वैसा कर लिया है, और अब हम क्लिक कर देंगे डन। तो यहाँ पर आ जाएगा मैप, और कहीं पर भी स्पॉन होना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्पॉन हो जाना है। ओके, तो हम स्पॉन हो चुके हैं और सर्वर की नोटिफिकेशन की वजह से म्यूजिक बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स हैं, भाई यार कितनी पॉपुलेशन है इनके यहाँ, जो आर्क में भी भीड़ लगा रखी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं फिलहाल हूँ लेवल 1 का, पर मेरे पास हैं 100 लेवल्स। ये लेवल अप पे क्लिक करते ये देखो भाई 99 लेवल्स पड़े हैं, और इनको मैं जैसे चाहे वैसे स्टैट्स पे लगा सकता हूँ। मतलब आपको जैसे चाहिए आप वैसे लगाना, क्योंकि यही स्टैट्स जो है ट्रांसफ़र होने वाले हैं, और शायद बिना लेवल अप किए भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मैंने ट्राई नहीं किया, आपको ट्राई करना है तो कर लो। तो जो भी स्टैट्स चाहिए वो सब पुट ऑन कर देने के बाद हमें जाना है शॉप पे, और जो हमें चाहिए वो मिलेगा हमें बिल्कुल नीचे। तो कहाँ गए, ये रहे, ये देख रहे हो, ये दुनिया भर के टिकट्स। तो इन टिकट्स की हमें ज़रूरत है, वैसे एक की ज़रूरत है, मैं वैसे सारे के बारे में बता देता हूँ। ये है पहला वाला, जो कि है सर्वर ट्रांसफ़र टिकट। इसे यूज़ करके एक सर्वर से दूसरे सर्वर में XP ब्लूप्रिंट्स और एम्बर वगैरह ये सब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और दूसरा वाला जो है ये है SP ट्रांसफ़र टिकट, मतलब इसका यूज़ करके सर्वर में से सिंगल प्लेयर में अपने लेवल्स और ब्लूप्रिंट्स वगैरह भेजे जा सकते हैं। और ये वाला है सिर्फ 25 एम्बर का। और जो तीसरा वाला ट्रांसफ़र टिकट है वो है असेंडेंट टिकट, अभी मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, चलो। और ये वाला है अपीयरेंस टिकट, ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं, चलो। जो हमें चाहिए वो है ये SP ट्रांसफ़र टिकट, मतलब सिंगल प्लेयर ट्रांसफ़र टिकट। तो हमें इसके लिए चाहिए होंगे एम्बर्स, और एम्बर्स में कलेक्ट करने वाला हूँ एड्स देख के। एक ऐड देखते ही हमें 2 एम्बर्स मिल जाएंगे, और आप सोच रहे हो ऐड क्यों नहीं चल रही, तो मत सोचो चलेगी भी नहीं, आर्क वाले ने पैसे खाए हैं, मैंने नहीं, मैं नहीं दिखाने वाला एड्स। तो एक ऐड देखने के बाद हमें मिल जाती है 2 एम्बर्स, और इसी तरह ऐड देख के हमें कलेक्ट करने होंगे 25 एम्बर्स। अगर तुम्हारे पास आंधा पैसा है और लुटाना चाहते हो तो लुटाओ, मेरा कुछ नहीं जाता, एम्बर्स खरीद लेना। मैंने 3-4 घंटे इसलिए बोले हैं क्योंकि ये ऐड देखने में ये 15 मिनट का कूल डाउन होता है, तो 15-15 मिनट मिला के हमें 13 एड्स देखनी होती हैं, तो उस हिसाब से हमें 3.5 घंटे के आसपास लगेंगी। तो फिलहाल एम्बर्स कलेक्ट करने में मुझे लगेगा थोड़ा टाइम, तो मैं एम्बर्स कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एम्बर्स कलेक्ट कर लिए हैं, मेरे पास अब हैं 26 एम्बर्स। तो चलकर अपना ट्रांसफ़र टिकट खरीद लेते हैं। तो ये रहा वो ट्रांसफ़र टिकट, इसे करते हैं परचेज़, 25 एम्बर जाएंगे, चलो जान दो परचेज़। ये हो गया परचेज़, अब जाके देखना है अपनी इन्वेंट्री में, ये रहा वो टिकट, इसे अब करना है हमें यूज़। और यूज़ करते ही ये देखो आ जाएगा ये नोटिफिकेशन कि सर्वर से 30 दिन के लिए बैन कर दिया जाएगा, फलाना ढिंकाना। मैंने इसीलिए कहा था कि जो सर्वर में नहीं रहना वही चूज़ करना है, और ये दुनिया भर की बातें हमें ये सब नहीं सुनना। तो अब हम करते हैं ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इस बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना पड़ेगा, और ये प्रोसेस होगा कम्प्लीट 10 सेकेंड में। और ये जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा हमारा सर्वाइवर, ओ भाई ये इतने ज़ोर से चीखेगा मुझे भी नहीं पता था, खैर। तो हमारा सर्वाइवर अब हो जाएगा ट्रांसफ़र सिंगल प्लेयर में, और ये देखो नोटिस भी आ गया किक्ड, वैसे भी नहीं रहना था उसमें। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें जाना है प्ले आर्क में सिंगल प्लेयर में, जहाँ पर कि हमारा सेव होने वाला है ट्रांसफ़र। तो मैं पहले जाने वाला हूँ मैनेज डाटा में, क्योंकि यहाँ पे मेरा 100 सर्वाइवर का वर्ल्ड है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर नहीं देखा तो इसे मैं पहले कर लेता हूँ बैकअप, ताकि इस वर्ल्ड के साथ कोई छेड़खानी ना हो। ये हो गया है बैकअप, अब इस करंट सेव को कर देता हूँ डिलीट, ताकि हम नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकें। ओके, तो अब हम करते हैं इसे एग्जिट,
और अब हमारे पास ऑप्शन है नया वर्ल्ड क्रिएट करने का। तो इसे जो चाहे आप रख देना, नया वर्ल्ड या पुराना वर्ल्ड किसी में भी। तो इसे हम करते हैं स्टार्ट। अब हमारे पास एक नया सर्वाइवर होगा, एक नया वर्ल्ड होगा। तो इसमें किस तरह से उस सर्वाइवर को ट्रांसफ़र करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे नया सिंगल प्लेयर सेव शुरू होते ही ये देखो भाई आ गया नोटिफिकेशन, डाउनलोड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ सर्वाइवर को मॉडिफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, जो चाहे वो रख दो क्योंकि ये वाला सर्वाइवर रहने नहीं वाला। ओके करते हैं तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे करना है डाउनलोड ट्रांसफ़र। तो इसे टैप करते ही आपका 100 लेवल का सर्वाइवर आ जाएगा यहाँ पे, मतलब सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में। देख रहे हो भाई, हम आ चुके हैं सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में एज ए 100 लेवल सर्वाइवर। और अगर आपको डाउट है मैं दिखा देता हूँ कि हम लेवल 1 के नहीं हैं, हम 100 लेवल्स के हैं। ये देखो भाई, देख रहे हो। और दुनिया भर के इनग्राम्स मैंने कुछ भी अनलॉक नहीं किया था, और सारे के सारे इनग्राम पॉइंट्स भी वैसे ही रखे हुए हैं। तो आई गेस आपको अब पता चल गया होगा कि कैसे लेवल 100 हुआ था मैं, और वहाँ पे एक टैप बेचारा घूम रहा है, ऐसे मिलेगा नहीं मुझे। तो इसी के साथ हमारी मुलाकात होगी एक दूसरे गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For you, come along.